हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी शाशा करते हो, आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया सोनिया 5507 या सोनिया सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कमेंट बहुत ज्यादा हो गए और कमेंट आज जवाब देती जितने पॉसिबल हो पाएगा, और क्योंकि बातों का ताना बुना जाता है और कुछ घर करती हैं कुछ बाहर करती हैं, दिल से बाहर हो जाती हैं, और कुछ लोग इतने ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिल में जगह बना जाते हैं। और हर तरह के लोग हैं, हर तरीके के सोच है लोगों की, चलते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं लोग बाग। इंद्रवती देवी ब्लॉग, वैसे तो नेगेटिव कमेंट आया था हाथ में, पर पहले स्टार्टिंग कुछ अच्छे से किया जाए। दीदी आप कहाँ रहती हो? तो बाबू मैंने बहुत बार बताया और मेरी प्रोफाइल के नीचे मेरा एड्रेस भी लिख रहा है, आप मेरी जहाँ पे फोटो लगी हुई है उसके नीचे मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, और मेल पे भी मेरा फोन नंबर भी शेयर हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं, मेल पे मेरे से कॉल पे बात भी कर सकते हैं। पर उन्होंने क्या बोला है कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ ये वो, तो बहुत अच्छी बात है, शर्म आवे भाई मुझे इसमें बोला करो तो थैंक यू सो मच आपको। और जो दूसरा नेगेटिव कमेंट है साथ में जोड़ देती हूँ, जल्दी जल्दी बोलूंगी। गू डांस, अरे मैया अरे मैया सही में, हाँ तो भैया कुछ भी कह सकते हैं लोग, तो कुछ भी कह सकते हैं, हद है लोगों की सोच के लिए, मतलब बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है, हद है यार, बोलने में भी शर्म नहीं आ रही, हम क्या कह रहे हैं। अरे काय का कैसा ही गोबर डांस हो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें ना अच्छा लग रहा है डिसलाइक भी कर सकते हो, ब्लॉक कर दो कुछ भी कर दो, पर हद है यार। व्यूवर्स की आईडी पे नाम नहीं, ध्यान से सुने व्यूवर्स ने क्या बोला है। पारुल जी बहुत अच्छी लग रही हो, काफी दिनों में ड्यूट देखने के लिए मिला है, तो हम 10-5 दिन में ड्यूट डालते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और पारुल के साथ जोड़ी अच्छी है, तो थैंक यू सो मच भाई। घर वालों के बहन हो या बेटा हो या हस्बैंड हो, या बहुत से माँ बेटे भी बनाते हैं, बाप बेटी भी वीडियोस बनाते हैं, मटकते थिरकते रहते हैं, तो सबकी जोड़ी अच्छी होती है, थैंक यू सो मच सहारना के लिए। शर्मन दोनों का नाम आया, पारुल मेरा दो, आप दोनों जैसी दुनिया में कोई सुंदर नहीं है भैया तू पिटवा के छोड़ा है और कुछ ना है भाई, मैं तो सही बता रही, अपनी कमर मजबूत कर लूं, कहीं ऐसा ना हो धड़ाधड़ पड़े भाई, ऐसे मत बोले करो, कोई अच्छा नहीं है, कोई किसी को कोई अच्छा लगता है, कोई किसी को कोई अच्छा लगता है। यूपी इनसाइड न्यूज चैनल का नाम है। मैडम प्रोग्राम करवाना है आपके साथ, एक प्रोग्राम प्लीज। तो भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं करती हूँ, और मैंने बहुत बार बोल रखा है, घर पे भी आ जाते हैं फैंस, तो मैं कोई प्रोग्राम नहीं करती हूँ, और प्लीज ऐसा ना सोचा करें, और यही मेरा अपना छोटा सा ही काम है, इसी से मुझे फुर्सत नहीं है, प्रोग्राम में क्या करूँ, थैंक यू सॉरी। मंडोला 686 काफी है उनका पहले से नाम स्टार्ट हो रहा, जो मैंने बीच आगे से और बीच में से लिया नहीं है, क्योंकि मैं काफी देर से उसे नाम को कोशिश कर रही थी, पर मेरे पे जुड़ के कुछ बना नहीं, तो मैं माफी चाहती हूँ, आप अपने आईडी से 686 से पहचान लें। बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैवी वेट के साथ, और बहुत कुछ लिखा, इतना बड़ा ग्राफ लिखा है, तो थैंक यू इस अदाकारी के लिए, आपने जो भी बोला है, तो मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू सो मच, लव यू। इकबाल, ध्यान से सुनना, मुसलमान भाई है। दीदी आप कभी प्लीज लखनऊ आए और हमारे यहाँ घूम के जाएं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और यहाँ की अच्छी लोकेशन है, वीडियोस बनाएं, तो मैं काफी दिन से सोच भी रही थी लखनऊ जाऊं, पर अभी पॉसिबल नहीं है, अभी झूठी हामी नहीं भरूंगी, बट हाँ आप की जरूर मनोकामना पूरी होगी, मैं कभी लखनऊ आऊंगी तो जरूर आपसे मैसेज करूंगी, कॉन्टेक्ट करूंगी, थैंक यू सो मच। आप बहुत क्यूट हो, प्लीज मदद करें क्यूट हो, थैंक यू सो मच, अगर आपको क्यूट लगा है तो, कुछ अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, और वैसे तो मैं क्यूट ही हूँ, पर कोई बात नहीं है, सब अपने अपनों को सब क्यूट ही लगते हैं, दूसरों को ही डेंजर लगते हैं, जो अपने होते हैं वो हमें मतलब हर हाल में चाहिए। अब जैसे मैंने एक रात एक मैंने स्टोरी डाली थी,
रात को डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो मैंने लिखा था कि कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो, मतलब कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं उनके लिए तो जिया जा सकता है, क्योंकि हम ऐसे ही यूं ही अपने दिल पे बहुत सी चीजों को सोचते रहते हैं, यार ये मेरा है ये मेरा है, फिर बाद में हमें पता चलता वो था ही नहीं कभी हमारा, तो उसी चीज में कसमकस में हमारी जिंदगी बीत जाती है, चाहे कोई बेटा हो चाहे कोई बेटी हो या कोई अपने खून के रिश्ते भी हो, वो भी दगाबाज हो जाते हैं, वो भी हमें, अब देखो हमारे मम्मी पापा और हम चार देवर, मतलब हम बहू हैं, तो हम तीन तो मतलब हम अलग ही रहते हैं, जैसे गांव वाली गांव में रहती है अलग से, और एक दिल्ली रहती है, एक मैं रहती हूँ यहाँ पे फरीदाबाद में, तो जरूरी नहीं है कि हम मम्मी और पापा की हम सेवा करें, नहीं है हमें पुण्य मिल ही नहीं रहा है, तो पर फिर भी हम बहुत सी चीजों से हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी जीवन और सरल हो जाए हमारी वजह से, और ये ना कहें कि भाई हमारा एक ही बेटा वो सेवा कर रहा है, तो कोई ना कोई हमें जरिए ढूंढते रहना चाहिए, किसी काम पे दिल ना दुखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पे किसी का दिल दुख जाता है, देखो हंसी मजाक वाली सौ बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ना रिटर्न गिफ्ट मिलता है उसका, और ये मेरी अजमाइश हुई बात है, मैं किसी पे ये नहीं कह रही, तो प्लीज कोशिश करें किसी का दिल ना दुखे, थैंक यू सो मच। मेरा नाम शकुंतला है, मैं मेवा से हूँ, प्लीज आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ, थैंक यू, जरूर आऊंगी किसी दिन। दिलीप सिंह भैंस भजन में ध्यान दे तो यही मोटापो भी मुँह खाके जोड़ेगा, मुझे ऐसे लगे मुँह जंग लड़नी पड़ेगी, तो मैं छोटे ये कहना चाहती हूँ, हमारे गांव में भैंस का जो वो होता है पति होता है तो उससे झोटा कहते हैं, तो तुम्हें मैं झोटा बनाती हूँ, तो झोटा कटरा भैंसा, तो माँ बाप नील का है का? तो उन्होंने तो तुम अपनी सोच पहले बदले, दूसरों पे टिप्पणी ना करे। सुरेश पारेख, रिस्पेक्ट यू मैम, यू आर ग्रेट डांसर और यू आर ग्रेट आर्टिस्ट। अरे भैया अभी तो भैंस भैंस बोल रहे लोग, तो यहाँ ना कुछ भी हो सकता है, दुनिया है कुछ भी बोल सकती है, जरूरी नहीं आप सबके दिल में जगह बना लो, मैं अभी यही बात कह रही थी कि हर किसी को पसंद नहीं आ सकते हम, भाई भूख थोड़ी है जो लग जाए, तो थैंक यू सो मच सुरेश जी, लव यू एंड यू आर ग्रेट मैन। परेश जानी, किसकी टी शर्ट पहन ली है, तो मैंने कल परसों की येलो टी शर्ट डाली थी, एक्चुअली मेरी शॉर्ट्स टी शर्ट है, आप सब की प्यार सने की वजह से मेरी, मुझे आज तक किसी के कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ी, आप सब ने मुझे खूब प्यार सने और पूरा सम्मान दिया है, तो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की है, उसी की वजह से मैं अपनी ड्रेसें खरीद पाई हूँ, मुझे किसी के कपड़ों की जरूरत नहीं है, और मैं पहन भी लूंगी तो मैं अपने बच्चों की पहनूंगी या मैं अपने फैंस की पहनूंगी जो मुझे भेजते हैं गिफ्ट करते हैं, थैंक यू। दोस्तों ज्यादा समय मैंने लिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई थी, लोग बागजन क्या क्या बोल जाते, भैंस भैंस वाला फलाना ढिमाका, इतनी सुंदर औरत को भी ऐसे बोलते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू YouTube एंड YouTube फैमिली। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों प्लीज शेयर जरूर किया करें वीडियो, लिंक शेयर कर लिया करें आपस में, थैंक यू सो मच सबको, लव यू, और पूरी कोशिश करूंगी आप सबके कमेंटों का जवाब दूं और आप सबकी वीडियो लाइक करूं। बाय बाय, टेक केयर।